तो नाउटो एनएमए में ओबीदो ने यार कभी भी सुसानो का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यार ये बात तो यार हम सभी को पता है कि सुसानो को क्रिएट करने के लिए मंगी को शारिंगान का होना जरूरी है और ओबीदो के पास उसकी मंगी को शारिंगान थी, पर फिर भी यार वो सुसानो को यूज नहीं कर सकता। और यार ओबीदो सुसानो को क्रिएट इसलिए नहीं कर पाया, उसका सिंपल रीजन ये है कि सुसानो को क्रिएट करने के लिए यूजर की आंखों में उसकी दोनों की दोनों मंगी को शारिंगान होनी चाहिए, तभी वो फर्स्ट टाइम सुसानो को अनलॉक कर सकता है। और यार फर्स्ट टाइम सुसानो को अनलॉक करने के बाद यार कोई भी बंदा बिना आंखों के भी सुसानो को यूज कर सकता है, जैसे फोर ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पे मादरा ने भी किया था। और यार ओबीदो ने जब यार अपनी मांगी के शारिंगान को अनलॉक किया था, तब यार ओबीदो के पास उसकी एक ही आंख थी और उसकी दूसरी आंख यार काकाशी के पास थी, जिसकी वजह से यार ओबीदो कभी भी सुसानो को यूज नहीं कर पाया। और यार अगर यार तुम लोग मुझसे ये चीज पूछोगे कि ओबीदो ने कागुया से फाइट करते टाइम सुसानो को यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यार ओबीदो के पास तब यार उसकी दोनों की दोनों मांगी के शारिंगान थी, तो इसके बारे में यार मैं तुम लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगा। बाकी तुम लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि तुम्हें एनिमे से रिलेटेड और भी कॉन्टेंट मिलता रहे।